हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूं सभी लोग मजे में होंगे। और रेडमी की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रही है। तीन वेरिएंट रेडमी नोट 10 सीरीज के निकल के आ रहे हैं, रेडमी नोट 10, रेडमी नोट 10 प्रो और रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। और यार कमाल की बात यह है कि तीनों वेरियंट, ये खबर आ रही है कि 5G होने वाले हैं और इंडिया के अंदर चीपेस्ट 5G भी लेके आने वाला है रेडमी इस सीरीज के साथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन तीनों स्मार्टफोन्स की और साथ ही प्राइस भी आपको बताऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी की अभी ठोक दो यार, ये लाल कलर के बटन को कर दो ग्रे और वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि इसी तरीके के टेक अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है टेक वाणी। बिना वक्त गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करूंगा सबसे बेसिक वेरिएंट के साथ जो है रेडमी नोट 10। और यहां पर आपको मीडिया टेक का डायमेंसिटी 720 सीरीज का प्रोसेसर जो है देखने को मिल सकता है। ये एक 5G चिपसेट है, जहां पर स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो आपको 6.53 इंचेस की एक फुल HD प्लस की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। ये सेम स्क्रीन आपको देखने को मिलने वाली है Redmi Note 10 Pro के अंदर, लेकिन वहां पर आपको रिफ्रेश रेट थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो टॉप वेरिएंट है Redmi Note 10 Pro Max, वहां पर आपको 6.67 इंचेस की एक सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और ये सीधा सीधा OnePlus Nord को भी टक्कर देने वाला है। तो आपकी यार कमर कस ली है Redmi ने पूरा Note 10 सीरीज के साथ। प्रोसेसर आपको बेसिक के अंदर जैसा मैंने बताया 720 का देखने को मिलने वाला है डायमेंसिटी का। अगर Redmi Note 10 Pro की बात करता हूं तो वहां पर आपको 800U सीरीज का MediaTek का डायमेंसिटी प्रोसेसर देखने को मिलेगा। वहीं पर आपको Redmi Note 10 Pro Max के अंदर 750G Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर देखने को मिलता है, ये भी 5G है। और यार तीनों ही प्रोसेसर जो है वो कमाल धमाल एक्सपीरियंस आपको देने वाले हैं, साथ ही हाइयर रिफ्रेश रेट है, तो गेमिंग का आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर कैमरा सेगमेंट की मैं बात करूं तो जो स्टार्टिंग वेरिएंट है Redmi Note 10, वहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलेगा और थोड़ी सी ट्रेडिशनल लुक आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पर जो बीच वाला मॉडल है Redmi Note 10 Pro, वहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। सुपर जूम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरे का सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। और बात करो अगर मैं Redmi Note 10 Pro Max की, तो यहाँ पर आपको यार कमाल का तो स्क्रीन एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, साथ ही जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी आपको 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। ऑनेस्टली बताऊं तो ये जिस रेंज के अंदर लॉन्च हो रहा है अकेला ऐसा फ़ोन होगा जो आपको 108 मेगापिक्सल का एक्सपीरियंस देने वाला है। तो कमाल धमाल जो है वो होने वाला है बहुत जल्दी। 15 दिन के अंदर ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है और उसके बहुत जल्दी इंडिया के अंदर भी ये सीरीज पूरी तरीके से लॉन्च हो जाएगी। बात करो अगर बैटरी बैकअप की, तो 4820 mAh का बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा टाइप सी के सपोर्ट के साथ। और जो Redmi Note 10 और Note 10 Pro है वहां पर आपको 22.5W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, वहीं पर Redmi Note 10 Pro Max के अंदर आपको 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करो अगर मैं प्राइसिंग की, तो Redmi की तरफ से काफ़ी स्ट्रांग ऐसे हिंट्स आ रहे हैं कि जो प्राइसिंग है वो काफ़ी अटैकिंग रहने वाली है। चाइना से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो चाइना में 1000 yuan के आसपास में जो बेसिक वेरिएंट है वो लॉन्च होने वाला है। अगर मैं थोड़े बहुत चेंजेस भी कर लेता हूं तो इंडिया के अंदर 5G स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 720U के साथ विद ऑल दिस कॉन्फ़िगरेशन 12999 रुपये के अंदर लॉन्च होना चाहिए। यार ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत ही ज़बरदस्ती प्राइसिंग होने वाली है। बात करो अगर Redmi Note 10 Pro के बारे में, तो यहाँ पर वेरिएंट निकल के आता है 14999 रुपये से। हाइयर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी, 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, MediaTek Dimensity 800U का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, 5G चिपसेट 15000 रुपये से नीचे, ये भी कमाल धमाल प्राइसिंग है। और अगर मैं बात करता हूँ Redmi Note 10 Pro Max की, जहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा, Qualcomm Snapdragon 750G का सपोर्ट, सुपर AMOLED डिस्प्ले 6.67 इंचेस की और हाइयर रिफ्रेश रेट, ये फ़ोन आपको 23999 रुपये का देखने को मिल सकता है। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है अपने प्राइस पे। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करूँ तो आपको तीनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर MIUI 12 का एक्सपीरियंस हो जाएगा और साथ ही Android 10 का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तीनों स्मार्टफोन यार अपने हिसाब से प्राइसिंग को पूरी तरीके से जस्टिफाई करते हैं। तो 12000 रुपये की रेंज से लेके 24000 रुपये तक की रेंज के अंदर काफ़ी दमदार तीन स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है Redmi बहुत ही जल्दी। क्या आपको भी है इंतज़ार Redmi Note 10 सीरीज़ का, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसको भी नीचे लिख दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरीके के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट संदीप और मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।